Ready? Ooh! RRR! स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने अपने नाम किया। RRR और द एलिफेंट विस्पर्स ने इतिहास रचते हुए इस बार दो ऑस्कर अपने नाम किए हैं। हालांकि तीसरी फिल्म ऑल दैट ब्रीथ को सिर्फ नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा। RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता। इसके बाद तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। टोटल माने गया इधर बा बड़ा बनी लगी। तो वहीं बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स ने सबको पीछे छोड़ते हुए अवार्ड अपने नाम किया। जूनियर NTR और रामचरण ने ऑस्कर अवार्ड के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ऑस्कर अवार्ड घर आ रहा है। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। नाटू नाटू को इससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला था। ऑस्कर सेरेमनी में RRR के नाटू नाटू गाना लिखने वाले चंद्र बोस और कंपोजर MM किरवानी ने ट्रॉफी ली। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर राजामौली पीछे बैठे रहे। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चुनी गई द एलिफेंट विस्पर्स की डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने अवार्ड लिया। आई फर्स्ट वांट टू से दिस इज इंडियाज फर्स्ट एवर फिल्म टू विन। इस दौरान सेरेमनी में मौजूद दीपिका पादुकोण भावुक हो गईं। वो सेरेमनी के प्रेजेंटर के तौर पर पहुंची थी। ऑस्कर सेरेमनी की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक सोमवार सुबह 5:30 बजे अमेरिका के लॉस एंजेलिस में हुई थी। And now, here I am with the Oscars. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर RRR और द एलिफेंट विस्पर्स के मेकर को बधाई दी है। उन्होंने कहा, असाधारण नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। ये एक ऐसा गाना है जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। इस सम्मान के लिए MM किरवानी और चंद्र बोस समेत पूरी टीम को बधाई। इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सभी विजेताओं को बधाई। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।